ते बढ़िया बंदो सवना नव द्वीपवासी जत महाप्रभुर्वाक सवार चरण बंदो अयानुराक महाप्रभुर्वाक जत गौड़देश प्रीति सवार चरण बंदो करिया प्रणाली जैसे जैसे वैसे गौरांगे रगाना उर्ग बाव करी बंदो कया चे नई वेना प्रभुर जतरात सवार चरण बंदो दंत करी घाट शक्ति तथापि मुखे रे मन सर्ववंच श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गदाधर शिव शरी गौरवाक्रवीण नितय गुण मुनि अमर नितय गुण मानि आनिया प्रेमेर वन्य बसैलो अवनि प्रेमेर वन्य दैया नितय आइल गौड़देश दिनाइन पतित मार नाई वाचे ब्रह्मर दुर्लभ प्रेम तवा कैराचे आवत करुणा काटिया मुहाना घरे घर भूले प्रेम आमियार लोचन बल मुरानी दई देवाना जानिया सुनिया दे आत्मघाती है जय भोला का शरीरा हरि हरि भोली देना जने बबनीरा आर कवनीताय चंदे करुणाईवे संसार वतन मोर रवे तुचावे विजय शरिया सुदावे मान कवे आमरे रव श्री वृंदावन रूप रघुनाथ परे हईवे आकूति कवे हम बुझे जुगल प्रीति रूप रघुनाथ परे तौ मोर प्रार्थना करे सदा नरोत्तम राज राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते दामोदर राति वरदन वेशे हरि निकुट वृंदा विदिनेशे नव शशि देखे ललित सखि गुणा रमित विषाखे करुणा गुरु मई करुणा
भरीते नानक सनातन वर्णित चरिते कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 गोर हरे गोर हरे गोर हरे गोर नित्य गोर हरे गोर हरे गोर हरे ज्ञानतिमिरां दश ज्ञानाञ्जनकलाकेय राधितायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद यशोदर सतश्री श्री श्री माधुभक्ति श्रीरूपी गोस्वामी महाराज जी चरण कमल अनंत कोटि संतोषांग दंडवत तत्पश्चात परिशिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद यशोदर सतश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण कर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को उनका भक्तों ने क्या क्या प्रश्न किया और प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया है। किसी ने पूछा है हमारे घर में कहाँ रहते हैं, किसी ने पूछा है हमारे घर में जो ठाकुर जी है हमारे घर में जो मेडिकल इसलिए हमारे घर में जो ठाकुर जी है क्या ये भगवान है सच्चा अच्छा तरह समझो। हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल है राधा कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु है किसी घर में सीताराम है किसी घर में लक्ष्मी नारायण है जैसे घर में ठाकुर जी को पूजा करते हैं जिन्हें पूछा ये क्या साक्षात भगवान क्या है तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं निश्चय ये साक्षात ये भगवान है साक्षात रूप में इसलिए कृष्ण विग्रह साक्षात कृष्ण ही जैसे कृष्ण का जो विग्रह है कभी ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है। आप बोलोगे जैसे कोई जैसे घर में अष्ट धातु का विग्रह है जैसे पत्थर का मूर्ति बनती है ये सब चीज बनती है कभी भगवान कैसे हो गया तो उसको उदाहरण देते हैं जब कोई अष्ट धातु में कभी सोने में कभी चांदी में कभी पीतल में ये जो ठाकुर जो बनते हैं इनको वेद मंत्र के द्वारा इनको स्थापन की जाती है। जब वेद मंत्र से उसको स्थापन करते हैं वो मंत्र के प्रभाव से वो पत्थर में भी साक्षात प्राण स्थापन हो जाता है। दूसरा उदाहरण देकर समझाए जैसे देखो साधारण कागज है कागज का कितना वैल्यू कुछ वैल्यू है लेकिन उसमें जो सरकार का स्टाम्प लग जाती है ना कितना 2000 कितना 2000 रुपया अगर उसमें सरकार का कोई स्टाम्प नहीं लगे साइन नहीं हो उसमें जो प्रिंटिंग होगा अगर ये नहीं होगा ना उसका कीमत 1 रुपया भी नहीं उसका कीमत 1 रुपया भी नहीं लेकिन जो उसमें स्टाम्प लग जाती है जब उसे साइन ही हो जाती है प्राइम मिनिस्टर का साइन
सरकार को बता रहा हूँ, वही कितना 2000 रुपया हो जाता है। अब 2000 रुपया देकर तो मार्केट से कितना सामान खरीदकर भी लेना, और बिना स्टाम्प के ले जाओ एक भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसी तरह कहते हैं, जब ये जो विग्रह हैं, जो दिखता है हमारे घर में, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण, साक्षात भगवान है, भक्तों के साथ में बात करते हैं। बोले एक समय हमारी संप्रदाय में कितने सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी जैसे रोज रोज सनातन गोस्वामी गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाते थे, और मथुरा में जो चौबेली घर में ठाकुर जी रहते थे, श्री मदन गोपाल रहते थे, और वो देखते थे कि मदन गोपाल खुद रोज क्या करते हैं, साक्षात रूप में प्रकट होकर के वो चौबेली बच्चे को साथ में गुली डंडा खेलते थे, साथ में गुली डंडा खेलते थे, और जो हार जाएगा एक को कंधे पर ले जाएगा है? और वही ठाकुर चलते चलते सनातन गोस्वामी के साथ में आ गए, जो उनको बिना नमक के टिकिया लगा कर भोग देते हैं, फिर सनातन क्योंकि सब्जी देता है नहीं, दूध देता है नहीं है, और फिर तू था उसमें थोड़ा नमक तो दे दिया कर, गले को नीचे उतर नहीं रहा है, उतर नहीं रहा है, भगवान अच्छा से बात करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, कहते थे भैया आज नमक मांगोगे फिर कल बोगे थोड़ा सब्जी हो तो बढ़िया होता, बोलोगे थोड़ा दूध हो जाए तो बढ़िया, राबड़ी भी दे दिया करते थे, थोड़ा थोड़ा मिठाई भी दे दिया, मैं भीख मांग तो व्यक्ति कहाँ से इतना लाओ, मेरे से ये बात हमसे नहीं होएगा, भगवान के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे। इसलिए साखी गोपाल जगन्नाथपुरी में जो साखी गोपाल है वो चलते 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 वृंदावन चले गए, उड़ीसा चले गए, चलते चलते ठाकुर जी चले गए वहाँ पर। हमारे श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जब वहाँ ठाकुर जी राधा विनोद प्रकट हुए ईश्वरी कुंड से प्रकट होकर कहते हैं, लोकनाथ इतना दिन से पड़ा हुआ था, पुत्र भोजन कराओ, भूख लग रहा है, मैं रोटी सब्जी भोग बनाया, बोले बगैर चाटनी से स्वाद आता है, तब चाटनी से बना दो, चाटनी बनाया खा लिया, ठाकुर खा लिया सबको, बोले सुला दो बड़े दिन से सोया नहीं, तो सुंदर सुंदर फूल लाए जो सुला दिया, कहते तो प्यार से दबा दो, प्यार दबाए बगैर नींद आती है, तब प्यार से दबा दो, प्यार दबाया, बोले गर्मी लग रहा है तुमको दिख नहीं रहा है, गर्मी का समय थोड़ा पंखा तो चलाओ, नींद कैसे आएगी। इसलिए ठाकुर जी इनको साथ में बात करते हैं, इसलिए कहते कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तुम बुला लो, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबरी के जैसे तुम बुला, भगवान सब कुछ करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तुम्हारे घर में जो ठाकुर रूप में जो लड्डू गोपाल है जो दिख रहा है, जो कृष्ण भगवान साक्षात वो बोलता है, खाता है, सोता है, बात भी सब कुछ करता है, लेकिन तुम्हारे हृदय में ऐसी भक्ति होनी चाहिए। बोले एक समय की कथा सुना, कोई ब्रिगेडियर था वो सेनाध्यक्ष का, वो जा रहा था हेलीकॉप्टर समुद्र के बीच में भाग लेके, अभी वहाँ पर कौन बचाएगा, लेकिन वो थोड़ी सी भक्त था, चार पांच लोग थे उसके साथ में, भगवान को स्मरण किया, ठाकुर जी अभी तो कोई बचाने वाले कोई नहीं बचा, तू बचाओगे नहीं तो कोई बचा ही नहीं सकते, उसने गिरा, चार दिन बाद में उसका होश आया, जो होश आया था वो हॉस्पिटल में, बोले मेरे साथी लोग सब मर गए, किसको बताएंगे, बोले सबके सब मर गए, मैं कैसे जिंदा हो गया, मैं कैसे जिंदा हो गया। उसको याद आया जिस समय वो हेलीकॉप्टर जो आग लगी जो गिरा था ना, हमने ठाकुर का स्मरण करके गिरा था, तो ठाकुर इसी समय कोई भी तेरे सिवाय कोई रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को जो प्राण दिया ना ठाकुर ने दिया, तो उसने सोचा जब ठाकुर ने जीवन दिया है, जो बच्चा कुचा हुआ समय है सब तो मर गए, मैं ही तो बच गया, पर ठाकुर के कृपा से फिर जीवन को और कोई नौकरी नहीं, ये जीवन को ठाकुर की सेवा में देती, उन्होंने नौकरी छोड़े, वृंदावन में आए, बड़े सुंदर राधा कृष्ण का उन्होंने मूर्ति खरीद किया और उनको स्थापन करते हुए अभिषेक करके स्थापन किया, अभी दिन रात उनको सेवा करता है, और किसी सद्गुरु से उसने दीक्षा मंत्र लेकर के बड़े सुंदर ठाकुर को झूलन राधे झूलन झूके आए जदेरा
जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कराई ललित हरि सखीगण है। इसलिए राधा कृष्ण प्राण और जुगल किशोर जीवन मरण गति आर बड़े सुंदर ठाकुर को दी जाता है। गुलाब गुलाब पूरा सेवा करता है। एक दिन क्या हुआ, कोई जल्दीबाजी से था, ठंडी का समय, जल्दीबाजी से ठाकुर को तो सही नहीं दिया, लेकिन ठाकुर को जैसे रजाई उड़ाते हैं ना, हाँ रात में रजाई, वो रजाई उड़ाना भूल गया और उस घर में की छोटी सी खिड़की बंद करना उसने भूल गया। जब भूल गया जल्दीबाजी से चला गया किसी काम था, लेकिन जब रात को सो गया ना उसको सपना आया ना, उसको क्या सपना आया, कहते है उनको नाम बोल कर बोले देखो मेरे को ठंडी लग रहा है, तुमने खिड़की बंद नहीं किया ठीक से, मेरे पर रजाई नहीं उड़ाया, आ करके देखो मेरे को ठंडी लग रहा है, रात को सपने दे रहा हूँ, सपने देते आप क्या सचमुच से रजाई नहीं उड़ाई मैंने, या सचमुच से मैंने खिड़की बंद नहीं किया, उठा जब जगह जग करके देखा सचमुच से जल्दीबाजी था, वो रजाई उड़ाना ठाकुर को भूल गया था, सचमुच से वो खिड़की बंद करना भूल गया था। अरे ठाकुर जी तेरे को ठंडी भी लगती है, हैं तेरे को भूख भी लगती है ठाकुर जी, इसलिए भगवान जैसे हम घर में ठाकुर का सेवा पूजा अगर सही सही करोगे ना, प्रेम से करना, हमारे मंदिर में एक माता जी आती दिल्ली में रहती थी, हाँ माता जी तुम्हें तुम सोच नहीं सकती, वो जहाँ जाएगी वो जुगल ठाकुर था, जहाँ जाएगी वो लेकर के वो ठाकुर को जाएगी, जहाँ जाएगी महीना में एक बार वृंदावन में आती थी, हैं उसको तीन बच्चे थे, तीन बच्चे जो उसको पैसा खर्चा के लिए देते थे, वो एकदम सीधा साधा साड़ी पहनी थी, अपना लिए भी अच्छी साड़ी नहीं करती थी, लेकिन वो पैसा को जोड़ जोड़ कर रखती थी, बोले क्यों, बोले महीना में जो एक बार वृंदावन जाऊंगा संतोष भगवान, उसकी जो भावना है सचमुच से आ करके वो कढ़ी बहुत बढ़िया बनाती, हम लोग तो उसी बना देते थे, सारे गौड़ियों मठ में निमंत्रण देते थे और उसी बना देते थे, लेकिन वो बोलते थे मैं खुद कढ़ी बनाऊँ, इसलिए संतों के लिए अपना हाथ से बढ़िया बनाती थी, कढ़ी बढ़िया बना देती, इसलिए और जमुना जाएगी जाएगी महीना में एक बार आएगी, 30 बार धूप लगाएगी, क्यों रोज रोज का एक एक बार, राधा दामोदर मंदिर में जाएगी 30 परिक्रमा लगाएगी, क्यों 30 दिन का 30 परिक्रमा, और 1 लाख रोज हरिनाम करेगी, अपना हाथों से ठाकुर रोज अभिषेक करेगी, रोज अभिषेक करेगी, और वो हारमोनियम थोड़ी बजाना जानती थी, ठाकुर को सामने रूप सनातन मठ के सामने बैठ करके हारमोनियम बजा कर बड़े सुंदर भजन गाती, बड़े सरल सुंदर, उसका पति भी ऐसे थे, हैं पति तो पहले चले गए, हैं पति तो पहले चले गए, इतने अच्छे थे, और ये इतने अनुभूति की बात बताते हैं जो सोच नहीं सकते, बल्कि जब जब आएगी वह नंद किशोर एक ये है कपड़ा वाला है, ठाकुर के लिए हर बार उसको नया कपड़ा चाहिए, जितने कपड़ा क्यों नहीं हो नया कपड़ा ले करके वो जाएंगे, और बोलती थी मैं जब ठाकुर को कोई कपड़ा पहनाती हूँ ठाकुर को जो पसंद है ना वही कपड़ा पहनेंगे पहनेंगे, अगर कोई उनको पसंद है कि अगर बहुत सारी सुंदर सुंदर जो काम हुआ कपड़ा सुभाष में बोले उस ठाकुर को पसंद नहीं होना मैं पहना तो अपने आप घिसक जाएगी वो कपड़ा अपने आप गिर जाएगी, ये समझ जाएगी ठाकुर को ये कपड़ा पहनने की इच्छा नहीं, फिर दूसरा कपड़ा पहनाएंगी, पहना करके जिसका जो पसंद कपड़ा उसको होगा ना वही नहीं तो नहीं पहने, कभी बोलेगा अगर ठाकुर जी को अनुभूति की बात कभी ठाकुर जो फिर कभी मुँह देखेंगे कभी देखेंगे ठाकुर जैसे नहीं उनका मन प्रसन्न नहीं, कोई चीज़ खिलाओ ठाकुर जी को बोलती सारी बात मेरे को, कोई चीज़ ठाकुर जी को खिलाओ खिलाओ तो ठाकुर जी अगर उसको पसंद होगा तो खाएगी, नहीं अगर मुँह खुला कर बैठ जाएंगे बोले मेरे पसंद नहीं, और कोई चीज़ जो है पकौड़ा खिलाओ हमें पकौड़ा खिलाओ नहीं तो बढ़िया चीज़ खिलाओ, इतनी अनुभूति की बात बताती ना, बोले एक बार में जा रहे थे कहाँ कामा में जाते जाते ठीक वहाँ पर मदन मोहन मंदिर है, ठीक उसको सामने गाड़ी खराब हो गई, वो गाड़ी चली नहीं है मेरी तो गाड़ी चली नहीं, देखा पास में मंदिर मदन मोहन जी की, कदम खैर जहाँ जाती है ठाकुर को ले जाती थी, मैं ठाकुर को ले मुझे मदन मोहन दर्शन की खड़ी अपने आप सही होगी, अपने आप खराब होगी अपने आप सही हो गया, मैं समझ गई ठाकुर को इच्छा था मदन मोहन से मिलने की है, इसलिए ठाकुर जी यहीं पर गाड़ी को यहीं पर उसने खराब कर दिया, इतने अच्छी भजन करती थी ठाकुर जी, बड़ी अनुभूति
और मेरे को आने से पहले फोन करते हैं रसानंद प्रभु इतना तारीख को हम आ रहे हैं, सारे संतों को गौड़ी मठ से नौता दे देना है, नौता दे देना। और देखो ठीक अपरकट से कुछ दिन पहले, अपरकट से दो दिन पहले है मेरे को फोन आई, बोले महाराज जी मैं आ रही हूँ, उस समय तबीयत थोड़ी खराब हुई, कुछ शुगर की थी, तबीयत खराब हो गई थी, बोले महाराज जी मैं आ रही हूँ सारे संतों के लिए और भंडारा के लिए व्यवस्था करो, सारे संतों को इतना इतना प्रणाम दे देना, मैं आ रही हूँ, मैं बड़े कष्ट करके आ रही हूँ इसलिए भंडारा कर देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आओ आओ। मेरे को फोन की दो दिन पहले, लेकिन उसका दूसरे दिन ही सर्विस हो गई और पैसा भेज दी, दूसरे को तो पैसा भेज दी, संतों की सेवा के लिए पैसा भेज दी, प्रणाम के लिए सब प्रणाम, सब संतों को इतना इतना पैसा प्रणाम भी दे देना। बात फोन की दूसरे दिन देगा उसने शरीर छोड़ दिया। इसलिए बताए अन्ना सन्नम हरणम बिना धन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथम संस्कृत। तो श्लोक में क्या कहते हैं, अन्य आश्रय न मरण। अगर कोई चाहता है हमारी जो जीवन जो मृत्यु है बहुत अच्छे तरह से, अगर कोई चाहता है बोले बिना दैन्य जीवन, अगर कोई चाहता है हमारे जीवन बड़े आनंद से बीते, जीवन आनंद पूर्वक बीते और हमारी जो मृत्यु है बड़े आनंद पूर्वक हो, बोले कैसे होगा, बोले अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्। जब तक कोई भगवान के चरण की सेवा नहीं करेगा कैसे संभव हो सकता, भगवान की सेवा के बगैर ये काम कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण विग्रह साक्षात कृष्ण ही। इसलिए हमारी घर में जो ठाकुर जी को देखते हो पूजा सेवा कर रहे हो वो कौन है, वो भगवान ही है दोनों। इसलिए प्रतिमा न हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, श्री महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में रहते थे, हम जगन्नाथ को तो कैसे लगते हैं, हाथ नहीं, कितने बड़े बड़े आँख है प्यार हम देखते हैं ना, लेकिन महाप्रभु जब वहाँ दर्शन करते थे बोले हे ये विग्रह नहीं, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। महाप्रभु जब वहाँ पर गए हैं महाप्रभु देखते ही देख करके देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी उनको बुला रहे हैं, अब इधर आओ इधर आओ, और महाप्रभु भगे दौड़ने के हैं पकड़ने के लिए दौड़े, जब पकड़ने के लिए दौड़े अंडे लोग कहाँ से आ गया, ये कहाँ सन्यासी मंदिर में प्रवेश करके ठाकुर का आलिंगन करने के लिए जा रहे, इतने में पंडल लोग रोक दिए और महाप्रभु वहीं पर ही बेहोश होकर गिर पड़े हैं। क्यों उनको क्या देखा, साक्षात जगन्नाथ मेरे को बुला रहे हैं, ठाकुर जी मेरे को बुला रहे हैं। इसलिए कहते साक्षात भगवान है ब्रज श्री विग्रह भगवान अर्चा बता, कहते ये जो अर्चा बता रही है विग्रह क्या है, ये भगवान की अर्चावतार। अर्चावतार मतलब क्या है, कहते भगवान जीवों को ऊपर में कल्याण करने के लिए ही ये ठाकुर जी रूप में आए, अर्चा विग्रह रूप में आए। बोले क्यों आए, बोले एक दिन नारद जी सुमत्त जगत में आए, सबके पास में गए पूछे तुम ठीक ठाक हो, सब तो कुशल मंगल बोले, लेकिन जो अंदर की बात पूछे ना कोई भी ठीक नहीं रहता, सब दुखी, कोई तन से कोई धन से कोई तन से कोई परिवार से कोई बेटा से कोई बहू से, सब दुखी 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 दुखी। फिर उन्होंने गए बैकुंठ में गए तो ठाकुर जी अनंतनाग बरसाने किए हुए माल चरण की सेवा कर रही है, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े आनंद है, लक्ष्मी चरण की सेवा कर रहे हैं। नारद जी बोले प्रभु दुनिया का आपने सेवा सृष्टि की, दुनिया दुखी दुखी हो रहा है, आप तो यहाँ आनंद ले रहे हो है, या तो आनंद ले रहे हो। तब भगवान बोले बताओ क्या करनी चाहिए, बोले प्रभु हरी विमुख कभी सुख नहीं पाओ, आप उससे विमुख होकर जगत में कभी किसको शांति सुख नहीं मिलेगा कि नहीं, इसलिए प्रभु तुरंत बढ़ते जगत में जाओ, थोड़ी जीव को सेवा दो, आपको सेवा पूजा करेगा तभी तो शांति मिलेगी। भगवान बोले मैं तो वैकुंठ में हूँ, बोले प्रभु वैकुंठ किसे ने देखा है, देखा है वैकुंठ, थोड़ा पानी ले आओगे पीने का पानी, बोले वैकुंठ किसी ने देखा है, इतने में बोले और थोड़ा नीचे उतर
बोले और थोड़ा नीचे उतर, बोले देखो एक रमा वैकुंठ है, कहते एक रमा वैकुंठ, रमा वैकुंठ कहते हैं कि ब्रह्मांड का अंतर्गत में जैसे ध्रुव जी रह रहे हैं, वैकुंठ रूप में रह रहे हैं, वही ब्रह्मांड का अंतर्गत एक रमा वैकुंठ, बोलते मैं वहां पर हूँ, बोले प्रभु को वैकुंठ किसी ने देखा है, और फिर नीचे उतर, बोले स्वर्ग में वामन देव रूप में, इंद्र के छोटे भैया वामन देव उपेंद्र रूप में भी रहता हूँ, स्वर्ग तो दुनिया सुना लेकिन स्वर्ग किसने देखा है, देखा किसने स्वर्ग देखा है प्रभु, और थोड़ा नीचे उतर, तब बोलने पर बोले देखो मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूँ, परमात्मा रूप में सभी के हृदय में बैठा हूँ, बोले प्रभु आप तो बैठे हो, कहते एक वृक्ष में दो तोता बैठे, एक तोता मीठा खट्टा फल खाता है, एक तोता केवल साक्षी रूप में दर्शन करता है, ये कौन है जो मीठा खट्टा फल खा रहा है, कभी ये जीवात्मा ये क्या करता है, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी होता रहता है, लेकिन भगवान परमात्मा रूप में केवल साक्षी रूप में वो दर्शन करते रहते हैं, साक्षी रूप में वो दर्शन करते हैं, इसलिए कहते वहां पर तो भगवान है लेकिन वहां पर तटस्थ रूप में, तटस्थ मतलब होता है कभी किसी चीज में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, केवल वो देखते रहते हैं ये जीव कैसे कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी रहता है, लेकिन कभी मेरे तरफ मोड़ कर देखता नहीं, भगवान की तरफ में एक बार ध्यान रखते तो देखो, लेकिन ये जीव मेरे को भूल करके संसार में कैसे दुख कष्ट हो करता है, कहते मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूँ, अरे प्रभु आप सभी का हृदय में तो परमात्मा रूप में बैठे हो, लेकिन अनुभूति किसकी है, अनुभूति है भगवान अंदर, वही अनुभूति हमारी होती है, बोले प्रभु और क्या नीचे होते हैं, फिर बोलने पर नारद जी है ठाकुर जी घर में जो हमारे लड्डू गोपाल है, घर में जो राधा कृष्ण है, जो लक्ष्मी नारायण है, सीता राम है, फिर भगवान अर्चा विग्रह रूप में जीवों को कैसे जीव ठाकुर को पूजा करते हुए है, पूजा करते हुए जीव का कैसे कल्याण हो, अर्चन पूजा सेवा करते हुए फिर भगवान ये विग्रह रूप में आए और इतने निकट में आ गए जो भगवान को दर्शन करना दुर्लभ है, ब्रह्मा शंकर जिनके चरण की नख की छटा को दर्शन नहीं कर पाते, देखो तुम्हारी घर में बैठेगी नहीं तुम्हारी घर में, और इतना नजदीक फिर भगवान को छू सकते हो, लेकिन रोज हम ठाकुर को स्नान कराते हैं, ठाकुर को रोज श्रृंगार कराते हैं, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाते प्रसाद पाते, मतलब भगवान जीवों को पर कृपा करने के लिए कैसे ठाकुर जी नीचे कैसे उतर करके आए, और ये विग्रह उसने और ये साक्षात भगवान कैसे जो भक्त उसको साथ में ठाकुर बात भी करते, ठाकुर जी उसके साथ में बात भी ठाकुर जी करते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं देखो कैसे विग्रह भगवान अर्चा अवतार निज हृदय देवताई बाहर स्फूर्त रूप प्रकाशित, कहते हैं ये जो मंदिर में ठाकुर जी है जैसे हमारे गुरुवर्ग स्थापना करते हैं प्रभुपाद गुरुवर्ग, भले इनके हृदय में तो ठाकुर है, कहते प्रेमा जन छुरी भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय सुखी, कहते संत लोग अपना हृदय में, अपना हृदय में भगवान को क्या करते हैं हर समय दर्शन करते रहते हैं, पर जो हृदय में ये दर्शन करते रहे तो फिर बाहर क्यों प्रकट किए, बाहर क्यों प्रकट किए, पर इसलिए बाहर में प्रकट किए, हृदय में तो कभी कभी उनको दर्शन करते हैं, लेकिन जब ये जो जिन जो ठाकुर उन्होंने अपना हृदय में दर्शन किया है वो हृदय देवता को उन्होंने सामने प्रकट कर देते हैं, इसलिए जब जब ये ठाकुर को हमारे गुरुवर का दर्शन करते उनको दर्शन करते हुए वो जो हृदय में ठाकुर को दर्शन करते रहते हैं बास उनको दर्शन करके उनको बना होते हैं, अरे मेरे हृदय में यही ठाकुर मेरे हृदय में बैठे हैं, उनको दर्शन करके उनको याद आता है, इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं अपना हृदय देवता को हृदय से वो बाहर प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये विग्रह नहीं शुद्ध भक्त का जो हृदय की जो देवता ही ये विग्रह है, इसलिए एक समय प्रभुपाद का समय में कई मंदिर में विग्रह स्थापन किया, लेकिन वहाँ पर कोई थे ब्राह्मण वो तो अच्छे तरह से सारे विधि विधान मंत्र को साथ में उन्होंने विग्रह को विधि विधान मंत्र को साथ में उन्होंने स्थापन किया,
लेकिन जब उन्होंने स्थापन कर दिया, लेकिन प्रभुपाद को बुलाए नहीं, जब नहीं बुलाए तो प्रभुपाद बोले विग्रह स्थापन हो गया, बोले हाँ हो गया, सब मंत्र पत्र सब करके अभिषेक कर कर दिया, तो प्रभुपाद बोले विग्रह ऐसे स्थापन नहीं होता है, मंत्र पढ़ लिए अभिषेक करते ऐसे नहीं होता है, लेकिन जब तक तो कोई शुद्ध भक्त वो विग्रह को स्थापन नहीं करता है, हैं उनके हृदय में जो हाँ विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, वो प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है, वो सभी नहीं कर सकते जो शुद्ध भक्त है, जिनके हृदय में ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं वही केवल ही ये विग्रह को स्थापन कर सकते हैं, सभी विग्रह को स्थापन नहीं कर सकते, फिर प्रभुपाद ने आकर के स्थापन किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते हृदय देवताई, हृदय का जो देवता है वो बाहर में ये विग्रह रूप में प्रकाशित होते हैं, इसलिए हमारे घर में जो ठाकुर जी है उसको साधारण नहीं समझ करके कि साक्षात भगवान है, इसी भाव से ही ठाकुर जी को सेवा पूजा करनी चाहिए, ठीक है, बिताई गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hari Om, 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 Hari Om,